आज मैं आपके साथ लेमन और ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सभी चिकन को आप ऐसे स्लीट कर लें ताकि मसाला अच्छे से मैरिनेट हो सके। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए है ये 1 लैप चिकन, कुछ बड़े पीस लिए हैं मैंने, इसे आपको बीच में से स्लीट करने हैं हर पीस को। ये मैंने बे लीफ लिए हैं और कार्डमम ली है, कुछ 8 से 9 कार्डमम ली है मैंने। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 कप दही ले सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। सबसे पहले इस चिकन को मैं मैरिनेट करूँगी। ये मैं सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर देती हूँ। लेमन जूस भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करती हूँ मैं, थोड़ा मैं बचा लूँगी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये दही भी मैं ऐड कर देती हूँ। सॉल्ट टू टेस्ट। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छे से मैरिनेट कर लें इस चिकन को, और इसे कुछ आधा घंटा मैं साइड में रखूँगी और उसके बाद इसे बनाने का मैं शुरू करूँगी। देखिए इस चिकन पे अच्छे से मसाला हो चुका है। अब मैं इसे कुछ कवर करके इसे कुछ आधा घंटा साइड में रखूँगी। चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसे पैन गर्म करके इसे हल्का सा ग्रिल मार्क दे देती हूँ कुछ ब्राउन स्पॉट आने तक। देखिए मैंने फ्राई पैन लिया है और ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं कुछ बटर ऐड करती हूँ। देखिए ये बटर कुछ मेल्ट हो चुका है। इसमें मैं लेमन स्टिक है उसे भी ऐड कर देती हूँ। चिकन ऐड करूँगी। ये मैंने हाई फ्लेम रखी है अभी, और ये मैं इसे इन सब पीसेस को इस तरह इसमें सेट करूँगी ताकि सभी पीस पर अच्छे से ग्रिल मार्क आ सकें। ये मैंने हाई फ्लेम रखी है और मैं अच्छी तरीके से ये ब्राउन स्पॉट इसमें दिखने लगेगी तब मैं इसे फ्लिप करूँगी, इसे टर्न करूँगी। देखिए ये चिकन और दही में से जो पानी रिलीज हुआ है वो भी अब थोड़ा ड्राई होने लगा है, और इस पर जो गोल्डन ग्रिल मार्क्स हैं वो भी आने लगे हैं। देखिए मैं चिकन को पलट देती हूँ, और जब ये दूसरी साइड है जो हम थोड़ा इसे इसे फ्राई नहीं करना पर ऐसे ही सिर्फ इसे गोल्डन सा थोड़ा जो है गोल्डन स्पॉट देना है। क्योंकि देखिए मैं इस पर लीड कवर कर देती हूँ और इसे मैं 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे टेंडर करूँगी इस चिकन को। इस चिकन को आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। इनमें मैं ये ग्रीन चिलीज भी ऐड कर देती हूँ। मैंने आधा कप पानी लिया है, इसमें मैं ये कॉर्न स्टार्च है उसे ऐड कर देती हूँ, और इसे मैं ऐसे घोल कर उसमें चिकन में ऐड करूँगी ताकि जो मसाला है अच्छे से उस पर बाइंड हो जाए चिकन पर। और इसे हम स्टार्टर में या तंदूरी नान के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए इस चिकन को मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम देते हुए इसे टेंडर कर लिया है, और ये अच्छी तरीके से गल चुकी है चिकन। इसे मैं थोड़ा ग्रेवी मुझे इसे देनी है तो मैंने ये कॉर्नस्टार्च पानी में इसे भिगाया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा मसाला इसके ऊपर अच्छी से बाइंड हो जाए इसलिए, और इसका पानी मैं जला लूंगी।
ये मैंने हाई फ्लेम रखी है अभी। देखिए चिकन पर अच्छे से मसाला कोट हुआ है। अब मैं इस फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसे मैं डिश आउट करती हूँ। देखिए इस पर जो है गोल्डन ग्रिल मार्क इतने अच्छे दिखाई देते हैं चिकन पर। डिश में ले लेती हूँ। इसमें जो ग्रीन चिलीज जो ऐड की है उसकी अरोमा और जो बे लीफ है गरम मसाले की है जो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बहुत ही टेस्टी डिश बनी है ये। ये लेमन एंड ब्लैक पेपर चिकन बन के रेडी है सर्व करने के लिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा ब्लैक पेपर और इस पर स्प्रिंकल करती हूँ। आप भी ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय।